हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 खबरें। सो लेट्स बिगिन। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को शूटिंग के दौरान चोट लग गई है। अपनी चोट की झलक खुद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दिखाई है। बता दें कि इन दिनों प्रियंका चोपड़ा द ब्लफ की शूटिंग में व्यस्त चल रही हैं। हालांकि शूटिंग के दौरान सेट पर वे घायल हो गई। उन्हें स्टंट सीन के दौरान गर्दन पर चोट आई। उनकी गर्दन पर कट लगा हुआ नजर आ रहा है। इस हफ्ते कपिल शर्मा के द ग्रेट इंडियन कपिल शो का फिनाले एपिसोड आने वाला है। शो में इस बार कार्तिक आर्यन अपनी माँ माला तिवारी के साथ नजर आने वाले हैं, जहां एक्टर की माँ ने उनकी लव लाइफ के बारे में खुलकर बात की है। एपिसोड के दौरान उनकी माँ ने अपने बेटे के लिए एक स्वयंवर रखा है, जहां उन्होंने खुलासा किया कि वह अपने परिवार के लिए एक डॉक्टर बहू चाहती हैं। इस दौरान कार्तिक आर्यन अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फिल्म हमारे 12 के मेकर्स को बड़ी राहत मिली है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने फाइनली इस फिल्म को रिलीज करने की मंजूरी दे दी है। फिल्म पर एक विशेष धर्म की भावना को अपमान करने और आहत करने का आरोप लगाया गया था। इसकी रिलीज पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि अनु कपूर की इस फिल्म की कानूनी लड़ाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे क्लीन चिट दे दी है। टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर अपनी दूसरी टूटी शादी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। दलजीत कौर ने हाल ही में अपने अलग हो चुके पति निखिल पटेल पर उनके नाम का इस्तेमाल कर पब्लिसिटी पाने का आरोप लगाया है। एक्टर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर कर दावा किया है कि निखिल ने इंडस्ट्री में एक पीआर एजेंट को काम पर रखा हुआ था। उन्होंने पॉपुलैरिटी पाने के लिए उनसे शादी की थी। प्रभास, कमल हसन, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण जैसे कलाकारों से सजी कल की 2898 एडी का दर्शकों बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिलीज डेट के करीब आते ही निर्माता लगातार फिल्म से जुड़ा पोस्टर जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार टीम ने वरिष्ठ अभिनेत्री शोभना का पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर में वह लंबे समय से प्रतीक्षा करती नजर आ रही हैं। फिल्म में वह मरियम का किरदार निभा रही हैं। रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर चर्चा में हैं। वहीं रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण बनने वाले एक्टर सुनील लहरी ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। सुनील ने रणबीर के राम बनने पर आशंका जताई है। उनका मानना है कि दर्शक शायद रणबीर को राम की भूमिका में पसंद ना करे। इसके पीछे की वजह उनका एनिमल में निभाया हुआ किरदार है। फिल्म चंदू चैंपियन को अब जाने माने क्रिकेटर कपिल देव से जबरदस्त रिस्पांस मिला है। बता दें, उन्होंने फिल्म की तारीफ ही नहीं की बल्कि ऐसी शानदार फिल्म देने के लिए मेकर्स को शुक्रिया अदा भी किया है। कपिल देव ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म की सराहना करते हुए खूबसूरत नोट के साथ चंदू चैंपियन का पोस्टर शेयर किया है और सबसे इसे देखने की अपील की है। बिग बॉस ओटीटी 3 में इस बार कंटेस्टेंट को अंदर मोबाइल फोन लेकर जाने की परमिशन दी जा सकती है। प्रोमो में अनिल कपूर को इस सीजन के अलग होने और इस सीजन में नए नियम होने के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है। वहीं बीते दिन शो के प्रीमियर से पहले लॉन्च इवेंट के दौरान अनिल कपूर ने हिंट भी दिया। इस सीजन में कंटेस्टेंट्स को बिग बॉस के घर में मोबाइल फोन लाने की परमिशन दी जा सकती है, जो पिछले सालों की तुलना में एक बड़ा बदलाव होगा। एक्टर अभिषेक बच्चन ने मुंबई में 15 करोड़ के 6 अपार्टमेंट्स खरीदे हैं। एक्टर ने बोरीवली में ओबेरॉय स्काई सिटी प्रोजेक्ट में यह इन्वेस्टमेंट किया था। इन 6 अपार्टमेंट्स का कंबाइंड एरिया मिलाकर 4,892 स्क्वायर फीट है, जिसे एक्टर ने 31,498 स्क्वायर प्रति स्क्वायर फीट की कीमत पर खरीदा है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट्स की माने तो यह सेल एग्रीमेंट मई में फाइनल किया गया था। अमेरिका के सबसे पॉपुलर टॉक शो द टुनाइट शो विद जिमी फॉलन का हिस्सा बनने वाले पहले पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने शो में अपनी परफॉर्मेंस से हर किसी को नाचने पर मजबूर कर दिया था, जहां उनका स्टाइल और देसी अंदाज सबका दिल लूट ले गया।
इस बीच सिंगर की घड़ी लाइमलाइट में आ गई। इंटरनेट पर दी गई जानकारी के मुताबिक सितारों से सजी इस घड़ी की कीमत 1.2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आज के लिए मायापुरी टॉप 10 में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए मायापुरी के साथ जुड़े रहें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।